हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके भी चैनल में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा आ रहा है नो बैकअप फाउंड या फिर चूज एन बैकअप अकाउंट, तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किए जाएं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने डिवाइस की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद हमें जाना है मैनेज ऐप्स में। तो मैनेज ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप को। तो जैसे व्हाट्सएप को आप सर्च करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप में कि आप इसको अपडेट करना चाहते हो, सॉरी स्टोरेज का ऑप्शन आएगा। स्टोरेज का ऑप्शन पे जाना है और उस पर हमें क्या करना है, क्लियर कैच कर देना है। डाटा को क्लियर मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको सारी परमिशन होगी जो भी व्हाट्सएप की, उसको इनेबल कर देना है। पहले मेन परमिशन पर जाना है, फिर अदर परमिशन पर जाना है, वहाँ पर सारी परमिशन वन बाई वन इनेबल कर देनी है। तो ये सब करने के बाद हमें फिर से अपने व्हाट्सएप के ऑप्शन पे जाना है। नीचे स्क्रॉल करने पे ऑप्शन मिल जाएगा हमें, तो वो ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, उसको इनेबल कर दीजिएगा। तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, क्लियर डिफ़ॉल्ट कर देना व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का क्लियर डिफ़ॉल्ट करने के बाद हमें अपने व्हाट्सएप को एक बार अपडेट कर लेना है। व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, दरअसल पर अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से ट्राई करना है, हमारी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।